अगर आपके पास रेडमी पोको या शॉमी का कोई भी डिवाइस है और उस डिवाइस में अगर आप किसी से कॉल में बात कर रहे हैं, चाहे वो इनकमिंग कॉल हो या आउटगोइंग कॉल हो, जब भी आप बात कर रहे हैं तो होता क्या है कि दूसरे बंदे का जो आवाज है अगर आपको सही सुनाई नहीं दे रहा है या आप जो कुछ भी बोल रहे हैं दूसरे बंदे के पास आवाज नहीं जा रहा है, कट कट के आवाज आपको सुनने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या गलती करते हैं जिसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है और इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं 100% यहां पे वर्किंग करता है। जो भी आपका इशू आ रहा है, जो भी कॉल का इशू आ रहा है, वो दोस्तों आपका 100% यहां पे फिक्स होने वाला है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइएगा, नीचे में जाए मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल नेटवर्क पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने एक सिम लगा के रखा हुआ है, दो सिम लगा के रखा हुआ है, वो आपको देख लेना है। जिसमें आपने सिम के रखा हुआ है, चाहे वो सिम वन हो सिम टू हो, उस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको यूज वोल्टी का ऑप्शन देखने मिलेगा। अब ये ऑप्शन क्या है कि अगर इस ऑप्शन को आप यहां पे बंद करके रखते हैं और कोई दूसरा बंदा अगर आपको कॉल करेगा तो आपका मोबाइल हमेशा नॉट रीचेबल बताएगा, आपका कॉल नहीं लगेगा। और इसलिए आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। और ये फीचर वर्क करता है जियो के सिम में, बीएसएनएल एयरटेल में जरूरत नहीं है, पर अगर जियो का सिम यूज कर रहे हैं तो देन इसको दोस्तों आपको ऑन करना है, तभी यहां पे कॉल आपका लगेगा। अब यहां पे जो कट कट के आवाज आता है उसके लिए आप देखें नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा, मेक कॉल यूजिंग वाईफाई। ये ऑप्शन क्या है कि अगर दोस्तों इस ऑप्शन को आप वहां पे ऑन कर लेते हैं तो ऊपर में वो वाईफाई वाला ऑप्शन यहां पे इनेबल हो जाता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे एरिया में आप वहां पे रह रहे हैं जहां पे आपके मोबाइल का जो नेटवर्क है काफी कम आता है, एक दो पॉइंट वहां पे देखने मिलता है, जिसके चलते क्या होता है कि बात आपका क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप अपने घर में वाईफाई को यूज करते हैं तो इसको ऑन कर दीजिएगा, तो जिसमें लिखा हुआ है यूज वाईफाई टू मेक एंड रिसीव कॉल व्हेनेवर इज पॉसिबल। तो यहां पर जो नेटवर्क होता है वो वाईफाई के थ्रू दोस्तों कन्वर्ट हो जाता है और वाईफाई के थ्रू दोस्तों आपको यहां पर बात करना पड़ता है। और वाईफाई का रेंज अगर सही रहेगा तो अच्छी क्वालिटी में आपको वहां पे बात करने को मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी में ऑडियो आप वहां पे सुन सकते हैं। पर इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये भी है कि अगर मान लीजिए कि आपका नेटवर्क सही से आ रहा है और इस ऑप्शन को अगर आपने ऑन कर लिया है और वाईफाई के रेंज से जरा से भी आप वहां पे दूर में जाते हैं तो होता क्या है कि वहां पे आपको नेटवर्क जो कनेक्टिविटी होती है वो काफी पुअर हो जाती है और जिसके चलते क्या होता है कि आपकी जो भी आवाज है वो कट कट के दूसरे बंदे को सुनाई देती है या जिससे भी आप कॉल में बात करें उसकी आवाज यहां पर कटने हो जाती है। तो इसलिए क्या करना है, इस ऑप्शन को दोस्तों आपको यहां पे बंद कर लेना है तो ये प्रॉब्लम आपका यहां पे फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी फिक्स नहीं होता है तो देन आपको यहां से बैक होना है और बैक होने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन का। ये ऑप्शन जो शो रहा है इस ऑप्शन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेट डीएनएस का, इस ऑप्शन पे आप यहां पे टैप कर देना है। टैप करने पर दोस्तों अगर आपने कोई यहां पे प्राइवेट डीएनएस बना के रखा हुआ है तो सिंपली क्या करना, उसको चाहे तो आप ऑटोमेटिक में कर सकते हैं या आप सिंपली क्या करें उसको ऑफ कर दें। अब होता क्या है कि अगर आप दूसरे कंट्री का अगर कोई डीएनएस यूज कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से भी अगर डीएनएस यूज कर रहे हैं तो उससे भी आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम मिलेगी, कॉलिंग करते समय आपको वहां पर प्रॉब्लम देखने मिलेगा। तो इस ऑप्शन को दोस्तों आप चाहे तो ऑटोमेटिक में डाल सकते हैं या आप इसको एक बार ऑफ करके देख लेना है तो आपका यह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर फिर भी सॉर्ट आउट नहीं होता है तो लास्ट प्रोसेस यह है कि नीचे में आप जाइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का। अगर आपके मोबाइल नेटवर्क में कोई ग्लिच आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं पे टूर पे निकले हुए हैं, रोमिंग एरिया में वहां पे निकले हुए हैं, तो होता क्या है कि वहां पे एक मैनुअली आप वहां पे सेट नहीं कर पाते हैं, तो जैसे आप रोमिंग में जाते हैं तो वहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आपको मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, यहां पे जो सिम है वो सिम आप सिलेक्ट कर सकते हैं नीचे में, या एक सिम यूज कर रहे तो एक सिम पे आपको सेलेक्ट करना है और रिसेट सेटिंग वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपको यहां पे क्लिक करना है। देन उसके बाद जो भी आपने वहां पे पासवर्ड बना के रखा हुआ है उस पासवर्ड को आपको यहां पे डालना है। देन नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डालने के बाद यहां पे बताया जा रहा है कि आपने जो भी यहां पे सेटिंग करके रखा हुआ है या जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है, चाहे वो वाईफाई का है, मोबाइल डाटा का है, ब्लूटूथ का है, वो दोस्तों ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगा। देन ओके पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद उसके बाद आप यहां पे देखिएगा जो भी आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम मिल रहा था, आपको कॉलिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, वो 100% दोस्तों आपको यहां पे फिक्स हो जाएगा।